अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ चाइनीज राइस। इसमें चाइनीज चिकन वेजिटेबल राइस। तो इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या चाहिए। मैंने हाफ के जी इसके अंदर वेजिटेबल ली है, मिक्स वेजिटेबल है। आप अपने घर की वेजिटेबल फ्रेश कोई वो भी डाल दें, मैं फ्रोजन डाल रही हूँ, सारी मिक्स वेजिटेबल है इसके अंदर। ऑनियन ली है मैंने, 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन है जो इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये देखें, 2 अंडे हैं हमारे पास, सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, और ये चिकन है मेरे पास, 200 ग्राम चिकन है। ऑयल हमें चाहिए इसके अंदर, और 2 चमचे ही हमें वाइट विनेगर के चाहिए। 1 किलो चावल है, 1 केजी राइस है इसके अंदर। स्पाइसेस में आ जाते हैं, स्पाइसेस में जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैंने सोया ये चाइनीज सॉल्ट लिया है। चाइनीज सॉल्ट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और इसमें सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट है। और जो काली मिर्चें हैं इसमें ब्लैक पेपर, वो भी 1.5 टेबल स्पून है। और हमारे पास चिकन क्यूब्स है जो हम इसके अंदर डालेंगे, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, नहीं यखनी में, लेकिन यखनी में अगर फ्रेश बना लें तो उसमें भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, वरना ये चिकन क्यूब डाल दें। और हमारे पास फूड कलर है, येलो ज़ाफ़रानी फूड कलर है मेरे पास, ये डाल जाएगा इसके अंदर। वाइट विनीगर का मैंने आपको बता दिया कि 2 टेबल स्पून है, और ऑयल। तो बनाना शुरू करते हैं। ये देखें जी, इसमें मैंने आप अपने हिसाब से चावलों में जितना ऑयल डालते हैं, मैं 2 सर्विंग स्पून के हिसाब से डाल रही हूँ, 2 सर्विंग स्पून राइस के अंदर। ये डालने के बाद आप इसको गर्म करें। गर्म करने के बाद मेरे पास ये प्याज है, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। इसे ब्राउन करते हैं हम, जरा सा प्याज को हल्का सा फ्राई करें। ये देखिए जी, मेरे अंडे जो है 2 हैं, इन अंडों के अंदर थोड़ी सी मैं पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ इसमें काली मिर्चें ब्लैक पेपर दोनों डाल के इसको बीट कर लेते हैं, ताकि हमने इसी ऑयल में इसको फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं। ये प्याज देखिए मैंने डाल दी थी इसमें, इसको हमने ब्राउन कलर नहीं करना, बस प्याज को ऐसे ही रखना है। अब इसके अंदर आपने ये जो हमारे पास अंडा है ये डाल दें। अंडे को और प्याज को मिक्स ना कीजिएगा इससे। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले अंडा बना के निकाल लें और बाद में प्याज डालें, तो वो भी सही है, लेकिन मैं मिक्स करके कर रही हूँ तो मगर ये बस ये सोचिएगा कि इसको ना, सॉरी जी, ये आप ये सोचिएगा कि इसको ना मिक्स ना करें। बस जैसे ही अंडा हो जाएगा मैं कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें डालती हूँ। ये देखिए अंडा हमारा रेडी हो गया। और जो लोग बाद में अंडा डालना चाहते हैं गार्निश में, तो आप अंडा पहले ही ऑयल में करके हल्के से फिर बाद में प्याज डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने तो इसके बीच में डालना है, और बाद में भी आप डाल सकते हैं। अब हमारे जितने भी मसाले हैं, नमक, मिर्चें और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें चली गई। वेजिटेबल जो है मेरे पास वो डाल रही हूँ मैं। मिर्चें भी और नमक दोनों वो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो फ्राई करें, इसके बाद हम चिकन डाल रहे हैं। चिकन में थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए रखूंगी, बाकी मैं इसमें डाल दूंगी। इतना सा मैंने गार्निश के लिए रख लिया, बाकी मैंने मिक्स भी कर दिया इसके अंदर। बस आप 2 मिनट इसको फ्राई करें, फिर हम बाकी ये इसमें मैं अपने क्यूब्स भी डाल रही हूँ ना, चिकन क्यूब्स। तो चिकन क्यूब्स का आप ये ख्याल करा करें कि जब आप उसको किसी चीज़ में भी डालें, कोई भी रेसिपी में मैं अगर बता रही हूँ चिकन क्यूब्स का, या वैसे आप किसी में भी डालें, तो आप इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लें। तो क्योंकि इसमें नमक होता है, अब ये होगा, और नमक भी देख के डालें, कहीं ना हो कि आपने नमक ज़्यादा डाल दिया और ये इसमें ये भी सॉल्टी है तो नमक डबल हो जाएगा। पहले इसको मिक्स कर लें, ताकि ये ना हो कि कहीं इसके चम नीचे मुँह में आ जाए तो वो फिर आपको कड़वाहट खाने में आती है, नमक ज़्यादा ज़ाहिर फील होगा। तो कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें नमक को पहले इसको ना डिसॉल्व कर लें सही तरीके से।
दो मिनट आपने इसको प्याज को फ्राई करना है, जब तक ये हमारा मेल्ट भी हो जाएगा, मसाला भी ये क्यूब्स भी मेल्ट हो जाएंगी, मसाला भी सही इसके अंदर लग जाएगा, फिर बाकी चीज़ें रखते हैं। ठीक है जी, चावल मैंने एक घंटा भिगोए थे, आधा घंटा भिगोए थे, तो उसके बाद आप चावल डाल दें। और जब अगर भीगे हुए चावल होते हैं तो उसमें पानी कम डलता है, इसलिए कि वो ज़ाहिर है वो भीगे हुए हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं, तो इसमें पानी का ज़रा एहतियात करेंगे, ज़्यादा पानी ना डाल दें। और अगर पानी बीच में मिक्स भी करना हो तो आप कैटल में एक पानी गर्म कर लें, इलेक्ट्रिक कैटल में, तो वो पानी मिक्स करें। ठंडा पानी मिक्स करने से क्या होगा कि चावल जो हैं वो उसमें अकड़ जाएंगे, गर्म चावलों में ठंडा पानी डालने से। नमक आप चेक कर लीजिएगा अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, अब इन चावलों में मैं पानी डाल दूँ। पानी आपने इतना डालना है कि जितने में आपके चावल गल जाए। हो जाएंगे हमारे, ये पानी चला गया इसके अंदर, मिक्स अच्छी तरीके से कर दें कि कहीं भी सॉल्ट जो है वो, ये देखें ये तो चिकन ही है, बस अच्छी तरीके से हो गया। होने के बाद अब हम इसको बॉयल आने पे, अभी तो ये आँच इसकी तेज़ है, मगर जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी जो है मीडियम कर दूँगी, इसकी आँच ना हल्की कर दूँगी, तो उस पर आप इसको पकाना है। और चावल देखें इतने अंदर होने चाहिए आपके, उससे चावलों से इतने अंदर होने चाहिए, तो बस इसको कवर करते हैं। पहले तो जब तक बॉयल आ रहा है तो मैं इसको तेज आंच पे पकाऊंगी, फिर इसके बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद चावल कैसे होते हैं जी। इसमें सोया सॉस भी डालना है, ये मैं बताना भूल गई थी आपको, और सोया सॉस डाल के भी मिक्स कर दें। इसको 80% चावलों को हम पका लेंगे जी। देखें चावल जो है ना हमारे 80% जो है कुक हो गए। अब हमने इसके अंदर ये जो मेरे पास विनीगर है, ये आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर विनीगर डाल दें। 2 टेबलस्पून विनीगर चला गया, विनीगर डाल के आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर अपना ये जो आपका फूड कलर है फूड कलर डालने के बाद आप इसको मिक्स, थोड़ा सा हल्का हल्का करना है, ज़्यादा कलर नहीं डालना है आपने, बस ये तो क्योंकि वेजिटेबल का चावल है तो आपको मल्टी कलर नज़र आए इस वजह से डालना। बस डालने के बाद इसको आप कवर कर दें, 10 मिनट में डन हो जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं जी। देखें राइस हमारे डन हो गए, कंप्लीट डन हो गए, और अब इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। देखें मैंने चावल निकाल लिए, डिश आउट कर लिए, अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर, मैंने गाली नहीं थी कि आपके सामने डाल देती हूँ चीज़ें, चिकन डाल देते हैं, ये आप बीच में बेशक डाल दीजिएगा, मैं तो गार्निश के लिए डाल रही हूँ। अगर गार्निश के लिए करना है तो उसमें से थोड़ा सा अलग निकाल लीजिएगा, और इन्जॉय कीजिएगा रेसिपी को, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और थम्स अप करें ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सैलड के साथ इसके मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, थोड़ा सा लेटर्स के साथ, और आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी आपको। दुआ में याद रखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा, और थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।